साधुवाद। पद प्रज्वलित के बाद हम लोग आधुनिक बुद्ध बौद्ध सभी जमाने में क्या किसी ने अधिकार दिया है वो हमारे आधुनिक युग बाबा साहब संविधान निर्माता है, इसलिए जरूर वाले अर्पण करेंगे और ज्यादा ये दुरुपयोग नहीं करेंगे। बाबा साहब ने स्वयं सुवर्ण अर्पित करें उनके पैर पे थोड़ा थोड़ा भूमिका समर्पण करेंगे। बाबा साहब ने कहा था मेरी पूजा नहीं करना, मेरे सर को फूलों से नहीं ढक देना, अरे मेरे मन मन वो जिस करवा को मैं लाया हूँ इस करवा को दिन दुना और चार चौगुना दुनिया फैलाना, इसीलिए हम बाबा साहब करना ही है, इनके भक्त नहीं है, हम भक्ति की बात नहीं करते हैं, हम उनका सम्मान करने की बात करते हैं। धन्यवाद। टीचर रमाकांत जी को जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताए हम लोगों को, उन्होंने एक बात बताया जब मोदी विदेश गए थे, मोदी जी हमारे भारतीय प्रधानमंत्री, तो उन्होंने वहां एक बात बोले कि मैं भारत से युद्ध दिया है, युद्ध नहीं कभी दिया। तो जब जब भारत पर विकट परिस्थितियां आई बुद्ध सामने आए, बुद्ध ने इसको आगे बढ़ाने का काम किए, इसलिए साथियों आज हम लोग बहुत गौरवान्वित है बुद्ध के प्रोग्राम में। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी को। अब अगले वक्ता के रूप में मैं गोरख जी को आमंत्रित करता हूँ कि गोरख जी आए और अपना विचार रखें। गोरख आदरणीय आज की सभा के अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय सर भंते जी और धन्यवाद। धन्यवाद। तो मैं अध्यक्ष जी से अपील करूंगा आप स्पीच का कार्यक्रम शुरू करें। आज दिनांक 8 अक्टूबर 2019 को ग्राम कासर में सम्राट अशोक के विजय दिवस के अवसर पर सिद्धार्थ का जन्म होता है महामाया के रूप में। आप महामाया नहीं बनती तो सिद्धार्थ कहाँ पैदा होते, आप भीमा नहीं बनती भाई तो बाबा भीम कहाँ पैदा होते, आप जैसे माँ ने मेरे जैसे को जन्म नहीं देती तो ये जीवनधारी कहाँ से पैदा होते। इसीलिए जागरूक भारत की नारी, देश को जगाना है तो बेटी को पढ़ाना है, वह समाज उतना ही शिक्षित है जिस समाज की नारी शिक्षित है। आने वाले जनरेशन को विकास के लिए मैं ज्यादा तो नहीं बताऊंगा, लेकिन आपके घर पे ये 22 प्रतिज्ञा जरूर लगा देना। और मैं अपने अतिथिगण का स्वागत करने जा रहा हूँ। पंडित जी पूछिए।